हाँ भाई नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि संगणक का रिजल्ट और आंसर की का, है ना। तो सबसे पहले तो आंसर की आइए मेरे दोस्त, उसके बाद भी रिजल्ट की कुछ सोचेंगे कि रिजल्ट कब क्या आने वाला है। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि लगभग ये मान के चलो 13 से 15 के बीच में लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लग सकती है। क्या लग सकती है? आचार संहिता लग सकती है। कब? 13 से 15 के बीच में आचार संहिता लग सकती है। कौन सी? लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, तो अब क्या रिजल्ट नहीं आएगा फिर सर? तो देखो मेरे भाई, आप सभी लोग, बहुत दिनों के बाद आप सभी रूबरू हो रहा हूँ। ठीक है, सभी राम राम। सबने ठीक हो सब? तो अब देखो, बात कर लिया आप सेशन की, तो रिजल्ट की बात करा। रिजल्ट कब तक आसी? एक आंसर की कब तक आसी? ए, दो तीन चीज़ें माइंड के वहां तक आ रही हैं। चलो, रिजल्ट तो इतना जल्दी नहीं आएगा, रिजल्ट तो इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन आंसर की आपको जारी करने के, ये हो सकता है कि उससे पहले पहले, कब? 13 से 15 तारीख से बीच में पहले पहले आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है, जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके मेरे भाई, चांस ये लग रहा है कि आंसर की आपको जल्द मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिली है, अगर नहीं मिली 13 से 15 के बीच में, तो ये मान के चला फिर आराम से ही मिलेगी। ठीक है, हालांकि हर बार तो इतना फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई लोकसभा चुनाव का, लेकिन अब की बार तो अलग ही माहौल बन रहा है। पता नहीं क्यों बना रहे हैं ये भर्ती, तो भाई चलती आ रही है, इसमें तो क्यों आप रोक रहे हो, टोक रहे हो इसको? आंसर की निकालो फटाफट, रिजल्ट निकालो, क्या दिक्कत है? रिजल्ट थोड़ा बहुत लेट निकाल दो, लेकिन आंसर की निकालना जरूरी है मेरे भाई। तो आंसर की के लिए जो वेट कर रहे हैं, वैसे मैंने आंसर की भेज दी है टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हो जितने भी संगणक वाले हैं। नई भर्ती की बात कर से थोड़ा सा वेट कर लो, फिर बात करना कट ऑफ। देखो मेरे भाई, कट ऑफ लगभग जो लास्ट ही रही थी ना, उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी वही रहने वाली है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये बात सिंपल सी बात है, लास्ट ही कट ऑफ देख लेना कितनी क्या रही है, उससे 2 नंबर प्लस करके चलना, 2 से 5 नंबर प्लस करके ही चलना। ओके, न्यू वैकेंसी की बात करते हैं। अरे सर, मन नई वैकेंसी, अब पुरवानती तो गई, इम नंबर आया गुनी मक है यार, अब नई वैकेंसी के बारे में बताओ जो मैं तैयारी कर लिया, है ना। आई वरी मन में तो सगड़ा ही सोच रहे हो कि नई वैकेंसी का बारे में बताओ, करना कहीं ऐसी भी के बाद में तैयारी को चालू कर दिया। तो मेरे दोस्त देखो, पहले तो माहौल ऐसा बन रखा है आजकल, मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि जो सरकार, नई सरकार बनी है, उसमें पेपर आउट नहीं हुआ। दिल को ऐसे ठंडक सी मिलती है, ऐसे शांति सी मिलती है, और जो ये पहले वाली वैकेंसी चल रही है ना, उनका मामला उजागर हो रहा है, तो बहुत और ठंडक मिल रही है, मज़ा आ रहा है। ऐसे ऐसे फील अलग ही आ रहा है कि यार ठीक है, अपन मनाली घूमने आ गए, ऐसे फीलिंग आ रही है यार कभी कभी। लेकिन ठीक है, ऐसे चलना चाहिए, माहौल ऐसे होना चाहिए, डर हो लोगों में, ऐसे रुकेगा नहीं पेपर चोर वाले। तो अब नई वैकेंसी की ये है कि भाई देखो, पोस्टें खाली पड़ी है अभी। ठीक है, पोस्टों के बारे में एक बार पूछताछ करके और बता दूं, काफ़ी खाली पड़ी है, पद खाली पड़े, पद नहीं भरे गए हैं। तो ये मान के चलना आपको नई वैकेंसी चॉइस में तो नहीं मिलेगी, चॉइस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि चॉइस में नई वैकेंसी संगणक को मिल जाए। तो कहना मिल सी सर, आप बताओ, सही से बताओ कहना मिल सी। तो देखो मेरे भाई, आपको ना 2025 में वैकेंसी मिल सकती है। कैसे? नंबर नई वैकेंसी पर एक नई वीडियो ले रहा छू, जखा का मन था ना, पूरी बात समझ में आ जासी, और पूरी नई वैकेंसी का आधारित पूरी बात हो सी। ठीक है, आप आज इतनी बात कर सियाँ, आज माड़ो गलो दुख लागू, यही बड़ी बात कर ली। ठीक है, आज पूरे दिन ट्विटर पर लाग रहा, ट्विटर बढ़िया बढ़िया क्या कर रहे थे, रिपोस्ट पोस्ट कर रहे थे, यो और भर्ती रद्द करवानी है। तो भाई, मैं तो छात्रा को साथ दिया, मगर तो काम ही साथ दे पा कोई है। तो कट ऑफ देखो लास्ट ईयर की है, आंसर की आपको जल्दी मिल जाएगी, और आंसर की वो भेज दिए, उसमें 2-3 प्रश्नों का दिक्कत है, तो छोड़ दो उसको, है ना, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आपको लेट मिलेगा, फिर इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, और जो मैंने कट ऑफ बताई थी ना आपको, फाइनल कट ऑफ बताई थी ना, कि 2 गुणा की, 2 गुणा कट ऑफ नहीं बताई थी, वो फाइनल कट ऑफ थी। और संगणक वाले भाई कैसा है और किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी संगणक वाले एस्पिरेंट हैं वो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख दीजिएगा, और आपके कितने नंबर बने। अब सही सही बताइए, थाने विद्या की सोगा गलत बता दिया था, सही सही बताना, झूठ मत बोलना, जो झूठ बोलेगा उसको विद्या की सोगा ला जा ली। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना मेरे भाई कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। एक तो ये कमेंट करना है, दबा कमेंट करना है ये चीज़ का कि सर महाराज तनावर बन रहे हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो भी संगणक वाले हैं वो आगे
बहुत सारे एस्पिरेंट है उन वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं किसकी तारीख करूँ, मेरे कम नंबर है या मॉडरेट नंबर है, मीडियम नंबर है, तो मैं कंफ्यूज हो रही है मेरे, मैं किसकी तारीख करूँ। इसके लिए अपना सेशन आएगा कल, जबरदस्त सेशन आएगा कल संगणक वालों के लिए कि भाई केस की प्रिपरेशन अब करें। वो अपना कल वीडियो आएगा कि सर अब कहाँ की तैयारी करूँ मैं, अब किसकी प्रिपरेशन करूँ, कल इस पे वीडियो आपको मिल जाएगा। और पटवारी वाले जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए बुक्स का वीडियो भी तैयार हो रहा है, बुक्स के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तत्लासी को जय हिंद जय भारत।